मालीवाड़ा गली है जहाँ पर वो मक्खन वाले तरबूज वाले अंकल थे, तो उनकी दुकान ना फाइन मतलब बंद हो चुकी है अब वो यहाँ पर है नहीं उनकी शॉप, तो कोई भी आएगा तो उनको नहीं मिलेगी वो वाली शॉप यहाँ पर। तो इसीलिए सोचा, मैं आई थी खाने और मेरे को वो शॉप ओपन नहीं मिली, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ। गाइस, तो वो वाले अंकल तो हमें मिले नहीं, तो मैंने सोचा कि यहीं से रबड़ी फलूदा खा लेती हूँ। तो अभी मैं इस शॉप पे आई हूँ, तो इसका एड्रेस कैसे बताऊँ, यहाँ पर सामने ना एक सोनी ब्लॉक के नाम से निकिता क्रिएशंस है, तो उसके सामने जस्ट ये शॉप ओपन हुई है, तो आप लोग वहीं से अगर आओगे तो वहीं से आप लोग खा सकते हो। ये भैया क्या प्राइस है इसका? 100। थैंक यू गाइस। हम लोगों ने चलते हुए ना थक गए हैं, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा बैठ जाते हैं, और ना मौसम भी बहुत ऐसा हो रहा है जैसे बारिश हो जाएगी। और जो अभी हमने रबड़ी फलूदा खाया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, 100 रुपीज का था, तो हमने सोचा रबड़ी फलूदा अच्छा नहीं है तो लस्सी पी लेते हैं। बट लस्सी ली तो लस्सी इतनी खट्टी जैसे उन्होंने सुबह बना के रख रखी हो, तो गाइस कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और हमारे 200 रुपये खर्च हो गए। बात 200 रुपये की नहीं है, बात वैल्यू की है खाने की, कि जितना वो दे रहे हैं, जितना वो सर्व कर रहे हैं खाना, एटलीस्ट वो अच्छा तो करें। तो ये सारी चीज़ें हुई, और अभी लेट्स सी जो भी होता रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखते हैं फिर क्या होता है, अभी क्या लेते हैं। लेने का मन है मेरा सूट, अगर अच्छा मिल गया तो लूँगी, वरना तो नहीं। और देखो गाइस मेरे पैर भी छिल गए इस नई वाली चप्पल से, तो बैंडेज ढूंढ रही थी, बैंडेज भी नहीं मिली यहाँ पे कहीं पे। गाइस देखो चांदनी चौक में ना यहाँ पर एक इवेंट टाइप हो रहा है ईस्कॉन वालों का, तो मुझे देखा मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, बहुत अच्छा सा लगता है मुझे ये। चांदनी चौक में ना गुरुद्वारा है, जस्ट उसके ही सामने है ये कांजी वड़े वाले की शॉप, तो जिस किसी को भी खाने हो वो यहाँ पे आके खा सकते हैं। मैंने कई बार खाई है इसके ऊपर, ये आप लोग यहाँ से याद रख सकते हो, कुछ सिंदूर साड़ी वाला है कोई फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसके जस्ट नीचे ही है ये कांजी वड़े वाले की शॉप, तो काफ़ी अच्छा बनाते हैं ये कांजी वड़ा। और ये सामने ही है आपका शीशगंज गुरुद्वारा। तो गाइज अभी पहले गाइस मैंने कांजी वड़ा लिया है, मैं इसको खा लूँ, उसके खाने के बाद में मैं आपसे। गाइस देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये चोरी का सामान बेच रहे थे। भाई जी जो भैया थे ना यहाँ पे, ये चोरी का सामान बेच रहे थे, तो इन्होंने जिनको सामान बेचा ना उन्होंने इनको पकड़ लिया, और अभी उनके पैसे वापस नहीं दे रहे। तो आजकल ये मार्केट में देखो लाइव स्कैम चल रहा है, तो अवेयर है ना, ऐसा कोई भी सामान मत खरीदना जिससे कि आपके पैसों का भी वेस्टेज हो जाए और आपको कुछ वर्थ आपके मनी का वर्थ भी ना हो। तो गाइस मैं घर जा रही हूँ, यहाँ पे कुछ मुझे खास दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं,
जो भी मैंने खाया पिया, जो भी मैंने इंजॉयमेंट किया वो मैं आपको दिखाऊंगी, और बाकी जो मैंने थोड़ी बहुत फोटोशूट की है वो मैं अपने इंस्टा में मेरी पोस्ट डालूंगी, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को करना मत भूलना। तब तक के लिए शुभ और खैर, बाय।